सिंह यादव को लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगा फिरोजाबाद सीट से लड़ने का मौका। रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव पर फिरोजाबाद सीट से दांव लगाएंगे अखिलेश। शिवपाल सिंह यादव को मिलेगी परिवार की सीट बीजेपी से छीनने की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के चलते समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। ऐसे में चाचा शिवपाल यादव का फिरोजाबाद सीट से टिकट काटने के संकेत अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। फिरोजाबाद सीट को लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही टकराव चल रहा है। इस सीट से सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव अभी तक चुनाव लड़ते आए हैं और वह एक बार यहां से सांसद भी रहे हैं, लेकिन 4 महीने पहले ही अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया था कि इस बार चाचा शिवपाल फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पार्टी संगठन के साथ मतदाताओं में भी शिवपाल की मजबूत पकड़ है। ऐसे में शिवपाल के फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ने में बीजेपी के सामने मुश्किलें और पैदा हो जाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के हिस्से में शिवपाल के चलते ही चली गई थी, क्योंकि उस समय चाचा शिवपाल का अखिलेश यादव के साथ टकराव चल रहा था और शिवपाल यादव ने सपा उम्मीदवार अक्षय यादव को हारने के लिए खुद ही फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और शिवपाल यादव ने सपा उम्मीदवार अक्षय यादव को हराने के लिए खुद ही फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद शिवपाल यादव खुद ही चुनाव लड़े और करीब 1.25 लाख वोट ले आए। कारण, सपा उम्मीदवार अक्षय यादव करीब 25,000 वोट से हार गए थे। चाचा शिवपाल ने फिरोजाबाद में तभी अपनी ताकत का एहसास करा दिया था और जब शिवपाल का अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से टिकट तय किया था तो यह भी साफ हो गया था कि इस बार बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद सीट से फिर से अक्षय यादव को टिकट देने का मन बना लिया है और शिवपाल यादव को मुलायम सिंह की सीट आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते थे, हालांकि बाद में 2022 में वो विधानसभा चुनाव में करहल सीट से चुनाव लड़ने के बाद जीते। इसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसका फायदा आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने यह सीट उपचुनाव में जीतकर अपने पाले में कर ली। अब अखिलेश के सामने सीट को फिर से बीजेपी से छीनने की चुनौती है और इसके लिए अखिलेश के पास शिवपाल यादव से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे, यहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अखिलेश यादव से यहां से चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया कि इस बार वह कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान वह कन्नौज की जनता के सामने कर चुके हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपना पहला चुनाव भी कन्नौज से जीता था। वह इस सीट को अपने लिए सेफ मानकर चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि वह आजमगढ़ से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह लोग अभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। बीजेपी सांप्रदायिक टकराव के चलते वोटों का ध्रुवीकरण करा सकती है, इसलिए बीजेपी के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। आजमगढ़ सीट से पार्टी कार्यकर्ता लगातार अखिलेश से आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाते रहे हैं और वह कहते रहे हैं कि वह केवल इस सीट से चुनाव में नामांकन करते हैं, बाकी आगे का काम हम लोग कर लेंगे। तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि यहां से कार्यकर्ताओं के बीच सबसे लोकप्रिय सदस्य ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वह नहीं होंगे। इसके साथ कार्यकर्ताओं के लगातार दबाव बनाने पर उन्होंने इस सीट से चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ सीट पर शिवपाल यादव की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पहले सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते रहे हैं और मुलायम के चुनाव प्रचार की बागडोर शिवपाल यादव के पास ही रहती थी। शिवपाल उसके बाद भी लगातार आजमगढ़ जाते रहे हैं और ऐसे में पार्टी संगठन के लोगों के बीच शिवपाल यादव की मजबूत पकड़ है और वह उनके बीच लोकप्रिय भी हैं। फिलहाल अखिलेश ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, उससे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश ने उन पर दांव लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव हार गए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ाने के लिए दांव लगाएंगे या फिर धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से मौका देंगे।